हिंदुस्तान संपादकीय 23 अक्टूबर 2019, मैं अखिलेश और समय शुरू हो रहा है थोड़ी देर में। स्टार्ट। पहला टेस्ट मैच पूरे 5 दिन चला था, दूसरा 4 दिन में ख़त्म हो गया और तीसरा तो कायदे से 3 दिन भी नहीं चला। बेशक रांची में हुए टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के बचे 2 खिलाड़ियों को आउट करने के लिए भारतीय टीम को चौथे दिन भी कुछ देर के लिए मैदान में उतरना पड़ा, पर पहले दिन खराब रोशनी के कारण जो मैच काफ़ी देर नहीं हो सका, उसे अगर इससे घटा दिया जाए तो तीसरा टेस्ट मैच भारत ने 3 दिन से भी कम समय में जीत लिया। कभी दुनिया के सबसे सशक्त टीमों में गिनी जाने वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम को 3 मैचों में करारी मात देकर भारत ने जो रिकॉर्ड कायम किया है वह न सिर्फ किताबों में दर्ज हुआ है बल्कि लंबे समय तक याद भी किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डुप्लेसिस के शब्दों में, यह ऐसी हार है जिससे पहुँचे मानसिक आघात से उबरने में काफ़ी वक्त लगेगा। वैसे तो यह शुरू से ही माना जा रहा था कि दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय टीम के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन वह तीनों टेस्ट मैच हार जाएगी और उनमें से भी 2 में उसे फॉलो ऑन मिलेगा। यह किसी ने नहीं सोचा था। ऐसे में यह तर्क बेमतलब है कि दक्षिण अफ्रीका के कई अच्छे खिलाड़ी इस बार या तो टीम में नहीं थे या फॉर्म में नहीं थे। इस हिसाब से देखें तो भारत के सबसे अच्छे गेंदबाज बुमराह चोटिल होने के कारण नहीं खेल सके। ऐसा तो हर श्रृंखला में लगभग हर टीम के साथ होता है। किसी भी टीम के लिए अच्छी श्रृंखला वह होती है जो सिर्फ उसे जिताती ही नहीं है बल्कि उसे नया आत्मविश्वास और कुछ नए खिलाड़ी देती है। टीम इंडिया को इस श्रृंखला से ये तीनों चीज़ें ही मिली, जीत भी, आत्मविश्वास भी और नए खिलाड़ी भी। पूरी श्रृंखला में मयंक अग्रवाल और आखिरी मैच में शाहबाज नदीम ने बड़ी उम्मीद बंधाई है। रोहित शर्मा ने खुद को टेस्ट मैच की ज़रूरतों के लिहाज से जिस तरह ढाला है उसका जिक्र भी जरूरी है। कुल मिलाकर यह ऐसी टीम है जिसने बहुत बड़ा स्कोर भी खड़ा किया और विरोधी टीम को दोनों पारियों में आउट भी किया। यह ऐसा संतुलन है जो दुनिया की किसी भी टीम पर भारी पड़ सकता है। भारत ने घरेलू मैदान पर लगातार 11वीं श्रृंखला जीती है और इसके साथ ही कप्तान विराट कोहली को यह आत्मविश्वास दिया है कि उनके खिलाड़ी अब दुनिया के किसी भी मैदान पर किसी टीम को हरा सकते हैं। इस भारी भरकम जीत का एक अर्थ और है कि भारत ने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप की तालिका में सबको
काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। इसके लिए अभी तक की जो होड़ है उसमें भारत 240 अंकों के साथ सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर श्रीलंका और न्यूजीलैंड दोनों हैं, दोनों के ही महज 60 अंक हैं, जो बताता है कि टीम इंडिया की लीड कितनी बड़ी है। लेकिन यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा टेस्ट चैम्पियनशिप अभी 2 साल तक लगातार चलेगी, यानी 2021 तक भारत को अपनी यह बढ़त लगातार बनाकर रखनी होगी। इतने लंबे समय तक अपनी टीम को लगातार फॉर्म में रखना बहुत बड़ी चुनौती है। बाकी टीमों का फॉर्म भी इस दौरान बदल सकता है, लेकिन मौजूदा जीत से जो आत्मविश्वास मिला है वह ऐसी चुनौतियों का सामना करने में सबसे बड़ा सहायक साबित हो सकता है।